नाम इन्होंने लिंक्स रखा है और इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। अभी तक जो हमने वेबसाइट बनाई है वो एक पेज की वेबसाइट बनाई है, अभी तक हमने एक पेज से ज़्यादा की वेबसाइट नहीं बनाई है। आज हम क्या करेंगे, 2 से 3 पेज हम उसमें मज़ीद ऐड करेंगे और एक प्रॉपर वेबसाइट, जैसे अभी तो सिंगल पेज होता था हमारे पास और कोई पेज ही नहीं होता था, लेकिन आमतौर पर वेबसाइट में होम, गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट वगैरह का पेज हो सकता है, ठीक है। तो वो पेज कैसे बनेंगे और उनके दरमियान आपस में लिंक कैसे बनेगा वो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। अच्छा, लिंकिंग टू अदर साइट, एक तो ये पहला हो गया ना कि एक ही वेबसाइट के अलग अलग जो पेज हैं उस पर कैसे बटन दबा के हम जाएंगे। दूसरा ये बता रहा है कि किसी दूसरी साइट पे कैसे जाएंगे, मतलब हमारी वेबसाइट है जैसे sisborg.com, अब उस पर कोई बटन प्रेस करें तो वो फेसबुक पे ले जाए मुझे या गूगल पे ले जाए जो कि दूसरी वेबसाइट है, तो वो वाला लिंक कैसे बनेगा। और ईमेल के लिंक्स कैसे बनेंगे, आपने एक लिंक देखा होगा कि एक तो होता है क्लिक करते हैं तो वेबसाइट पे आप चले जाते हैं, एक लिंक ऐसा होता है क्लिक करते ही ईमेल का ऐप खुल जाती है, ठीक है। पहले ज़माने में तो ये होता था कि ईमेल की ऐप्स इंस्टॉल हुआ करती थी, जैसे विंडोज़ में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक आउटलुक के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है वो ईमेल के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, अब तो जीमेल के आने के बाद वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। इसी तरह मैक में भी होते थे और आईफोन में और एंड्रॉयड फ़ोन में भी ईमेल की एक ऐप हुआ करती थी, उसमें क्या करते थे जब ईमेल अकाउंट आप बनाते थे ना तो आपको वो पूरा ऐसे नहीं खुलता था इनबॉक्स जैसे अभी जीमेल में खुलता है, आपको बस वो एक आईडी एक पासवर्ड दे देते थे, वो आईडी पासवर्ड आप आगे आउटलुक में लगाते थे तो फिर इधर आपकी ईमेल नज़र आती थी आपको, यानी बगैर आउटलुक के ईमेल को इस्तेमाल करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हुआ करता था किसी ज़माने में, तो अब तो वो यूज़ नहीं हो। तो उस ज़माने में ये जो ईमेल लिंक है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो अब आपकी जो क्रोम बुक्स वगैरह हैं ये अगर आपने प्रॉपरली उसको इंस्टॉल किया हुआ है अपनी मशीन में जीमेल को तो वो क्लिक करने पे फिर जीमेल को ही खोल रहा होता है, ठीक है। अभी भी कॉरपोरेट्स के अंदर और जो जो कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं उसके अंदर आप डायरेक्ट जीमेल यूज़ नहीं करते, उनका अपना ईमेल सर्वर होता है उधर ही बिल्डिंग में लगा हुआ होता है और वो उसी तरीके पे चल रहा है कि आपको एक ईमेल एक पासवर्ड देते हैं वो और आप क्या करते हैं उसको आउटलुक पे लगा के और ईमेल मतलब रिफ्रेश करते हैं तो ईमेल आती है, उसमें खुद से भी नहीं आती ईमेल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये ईमेल लिंक इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक में इसका जिक्र भी है और ये अगले कुछ सालों तक रहेगा रेलेवेंट। अच्छा, तो अब मज़ीद बात ये हो रही है कि लिंक्स आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब, लिंक जो है वेब का डिफाइनिंग फीचर है, मतलब लिंक्स ही असल में वेब है, अगर लिंक्स को निकाल दिया जाए तो वेब शायद बचेगा नहीं। अच्छा, क्या नहीं बचेगा, मिसाल के तौर पर मैं किसी भी वेबसाइट पर जाता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी वेबसाइट पर गया, जैसे मैं फेसबुक अपने पेज पे चला गया फेसबुक का, ठीक है, दिस इज़ अ वेबसाइट। अब इस वेब पेज के अंदर ना अगर आप इसको देखेंगे, ये इंटरनेट से डिस्कनेक्ट है क्या, अच्छा फोन जेब में, इसमें सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, हेलो जी जी मिस, चलें कर दूंगा कोई मसला नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ चलें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तुम लोगों को नज़र आ रहा है ना, सही जी, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, लंबे लंबे हो माशाल्लाह तुम लोग, सही है। अच्छा, अब इसमें तुम इस पेज पे अगर गौर करो तो ये देखो हर जगह लिंक्स हैं, ये इस पर क्लिक करता हूँ कुछ होता है किसी दूसरे पेज पे चला जाता है, इस पर करता हूँ ये किसी दूसरे पेज पे चला जाता है, इस पेज पे हर जगह लिंक्स ही लिंक्स हैं, ठीक है, सब जगह लिंक्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये कुछ क्लिकेबल चीज़ है, कुछ क्लिकेबल कुछ चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, तो हर तरफ लिंक्स हैं असल में। तो यही वजह है कि इसने ज़िक्र किया है, या इसने क्या ज़िक्र किया है कि लिंक्स आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ वेब। अगर आपने वेबसाइट बनाई है उसमें एक पेज से दूसरे पेज पर नहीं जा सकते आप या किसी चीज़ पर क्लिक नहीं कर सकते तो वो फिर वेबसाइट कहलाएगी नहीं, बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, वही वाली बात है, enabling the very idea of browsing or surfing। अच्छा, इसी प्रोसेस को ना हम जो क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं इसी को हम कहते हैं ब्राउजिंग, ठीक है, या सर्फिंग, वेब सर्फिंग वर्ड यूज़ होता था। तो जो ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बुक है आप उसके अलग अलग पेज को खोल के एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग। तो वेब ब्राउजिंग असल में यही है कि आप किसी पेज पे जाते हैं उस पे क्लिक करते हैं, जैसे आप नॉर्मली जब आप इंटरनेट
को इस्तेमाल करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आमतौर पर google.com खोलते हैं। google.com पे कोई सर्च की कोई टर्म लिखते हैं, जैसे आपको कोई अगर गाड़ी सर्च करनी है तो आप कार लिखते हैं या उसका मॉडल नंबर लिखते हैं। नीचे फिर आपको वो कुछ सजेशंस देता है, लेकिन वो सजेशन की सूरत में होती है, लिंक्स होते हैं वो सारे। किसी एक लिंक पे आप क्लिक करते हैं, फिर उसकी आप वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको ठीक मिल जाता है अपना इन्फॉर्मेशन, आप उस वेबसाइट पे इधर उधर घूमते हैं थोड़ा, अदरवाइज़ फिर वापस उस रिजल्ट पे आ जाते हैं, फिर दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। तो दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग। तो ये जो वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग है ना, ये लिंक्स के बगैर पॉसिबल नहीं था। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि यू विल कॉमनली कम अक्रॉस द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिंक्स। ऊपर इसने एक तो वेबसाइट का बता दिया कि यार एक लिंक जो अनदर वेबसाइट पे लेके जाए, एक लिंक वो है जो एक ही पेज से दूसरे पेज पे लेके जाए सेम वेबसाइट के। लिंक्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेब पेज टू अनदर पार्ट, एक लिंक ऐसा हो सकता है जो एक वेबसाइट की एक पेज से दूसरे पेज पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि उसी वेब पेज के एक दूसरे पार्ट पे लेके जाएगा, स्क्रॉल करके आपको ले जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, लिंक्स दैट ओपन इन न्यू ब्राउजर विंडो, एक लिंक ऐसा भी हो सकता है क्लिक करते हैं नए विंडो में वो ओपन होता है, सेम विंडो में नहीं ओपन होता है, सेम जगह पे जो वेबसाइट है वो खड़ी रहती है, एक नए विंडो में वो ओपन होता है। ठीक है, लिंक्स दैट स्टार्ट अप योर ईमेल प्रोग्राम एंड एड्रेस अ न्यू ईमेल टू समवन, एक लिंक वो होता है जिसको क्लिक करने से ईमेल का जो आपकी ऐप है आउटलुक है या जो भी है वो ओपन हो जाती है। तो अब ये सारा इसने डिटेल बता दी अब थ्योरी में, अब ज़रा नीचे हम कोड देखते हैं। अच्छा, ये इसने फिल्म फोक्स के नाम से जो है ना एक वेबसाइट बनाई है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी इस तरह की वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये नहीं देख के बना लेना इज़ नॉट इनफ, आप इस तरह की वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे जो इसने बनाई थी। अब इसमें क्या किया है वो अभी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता में। अच्छा, राइटिंग लिंक्स, अब लिंक्स को लिखा कैसे जाएगा HTML के प्रोग्राम में, उसको प्रोग्राम कैसे किया जाएगा। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग दिस एलिमेंट, ये इसको हम कहते हैं एंकर टैग या एंकर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ए। अच्छा, यूजर कैन क्लिक ऑन एनीथिंग बिटवीन ओपनिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे इसने बता के भी बताया भाई, यू स्पेसिफाई विच पेज यू वॉन्ट टू लिंक यूजिंग href एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट सब लोगों को पता है क्या होता है, टैग के अंदर यहाँ पे ये इस तरह से एट्रीब्यूट दे सकते हैं आप। अच्छा, एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ पे देते हैं, ओपनिंग टैग में देते हैं, क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट आप नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये एक एंकर टैग है, देखो ये ओपनिंग टैग है, लेकिन ये ओपनिंग टैग का एक एंगल ब्रैकेट यहाँ है, दूसरा ब्रैकेट है इधर, इसका मतलब है ये पूरा ओपनिंग टैग है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इस ओपनिंग टैग में एक href के नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है जिसमें एक बाकायदा पूरा एक लिंक है। सही है, जिसमें बाकायदा पूरा एक लिंक है http://www.imdb.com। ठीक है, ये imdb.com क्या चीज़ है पता है किसी को? हाँ, इस ये इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस है, ये पहले ज़माने का नेटफ्लिक्स था। सही है, जो अभी नेटफ्लिक्स है, जो ये पुराने ज़माने का नेटफ्लिक्स है, अभी भी लोग उसको यूज़ करते हैं। तो दुनिया में जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं इंटरनेशनली, वो सब इस वेबसाइट पे मौजूद होती हैं, उसको आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखने के बाद फिर वो रेटिंग वेटिंग का भी एक प्रोसेस है। तो इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो काफ़ी सीरियस किस्म के लोग होते हैं, जो मूवीज़ को लेके सीरियस हैं और जो मूवीज़ को ख़रीद के देखना पसंद करते हैं। फ्री में नहीं देंगे, नहीं, IMDb तो फ्री में क्यों देगा, ये तो नेटफ्लिक्स ने आके कर दिया ना कि आप एक दफ़ा मंथली पैसे पे कर दो और जितनी जाओ देखते रहो। इसमें वो सीन नहीं होता, इसमें सीन होता है जैसे पहले ज़माने में DVD लाते थे ना, अब वो DVD आपके पास स्टोर हो गई है, तो इसी तरह IMDb पे आप जो चीज़ ख़रीदते हैं वो स्टोर हो जाती है, वो आप ज़िंदगी में कभी भी उसको फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, मंथली पैकेज, मंथली सब्सक्रिप्शन वाला सीन नहीं होता इसके अंदर। तो ये एक आइडिया था, जिस ज़माने में ये आया था उस ज़माने में रेवोल्यूशनरी था, लेकिन अब के ज़माने में किसी को मतलब एक बार देख ली ना मूवी, अब दोबारा क्यों देखेगा कोई। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन का दौर आ गया, तो इसलिए लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि यार जो देखना हो बस फ़ौरन देखूँगा। ठीक है, ये उस ज़माने की बात है जब मूवीज़ बहुत कम रिलीज़ हुआ करती थी, और मूवी जब देखते थे आप तो बाकायदा रिसर्च करके या किसी की सजेशन पे देखते थे कि यार फला मूवी आई है बहुत अच्छा चल रहा है, बॉक्स ऑफिस का बाकायदा एक पेज हुआ करता था न्यूज़पेपर में, उसमें देखते थे यार बॉक्स ऑफिस में कौन सी मूवी अच्छी चल रही है, तो वो मूवी फिर परचेज़ करते थे। अब वो नो मैटर व्हाट, अब जैसी भी है उसको देखना है आपने। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं, अब हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गए, उस ज़माने में इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। ठीक है,
तो लेकिन अभी भी ये IMDB बहुत अच्छा चला रहे हैं, इनकी ये रेटिंग बहुत मैटर करती है। इनकी रेटिंग मैटर करती है क्योंकि यही वो लोग हैं जो बॉक्स ऑफिस हैं, ये अब जो यहाँ पे जो लोग साइनअप हुए हैं और जो देखते हैं वो बॉक्स ऑफिस वही है पहले। हम कोई सी भी वेबसाइट डाल सकते हैं, हाँ, इसमें कोई सी भी वेबसाइट डालोगे क्लिक करने पे उस वेबसाइट पे ले जैसे जाएगा हम आपको। कोडिंग कर रहे हैं और अगर हम इसमें HTTP और Facebook.com लिख दें, जब हाँ हमारी वेबसाइट बनेगी और हम उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक खुल जाएगी। हाँ ऐसा ही है। अब देखो हम ये VS कोड खोल लेते हैं और आपका जो इसमें आपकी जो इसमें क्लास है QRS, ये वाली क्लास है ना आपकी, पता नहीं शायद मैंने डिलीट डिलीट कर दिया। गिटहब से दोबारा क्लोन कर लेते हैं, सही है, गिटहब पे चलते हैं, वहाँ से दोबारा क्लोन कर लेते हैं रिपॉजिटरीज और QRS। ठीक है, ये आपकी जो है वो रिपॉजिटरी थी, राइट, यही वाली थी, इसके अलावा भी हमने कोई बनाई है, सॉरी फर्स्ट वाली अपने मुझे लग रहा है कि मैंने और भी कोई बनाई थी रिपॉजिटरी, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। सी भी बनाई थी हमने, सी भी सबसे पहले बनाई थी, वो डिलीट कर दी थी, उसके बाद index.html में कल वो, चलो खैर वो तो रेसिपी वाली बनाई, रेसिपी है नहीं वो, मैंने असल में ये जो रिपॉजिटरी है ना ये वो रिपॉजिटरी है जिसमें मैं जो जो कोड लिखता हूँ वो मैं पुश करता हूँ, तो सही है, 6 कमिट इसी में ही हुआ है, तो मेरा ख्याल है एक ही रिपॉजिटरी बनाई है, मज़ीद इसके अलावा कोई रिपॉजिटरी नहीं बनाई है हमने। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ क्लास और यहाँ पर जाके टर्मिनल खोलता हूँ, गेट क्लोन और पेस्ट, ये मेरे पास क्लोन होके आ गई है। किस नाम से आई होगी क्लोन होके, ये माई फर्स्ट रेपो QRS क्लास ये आई होगी ना, तो मैं अब CD करके माई फर्स्ट रेपो में चला जाता हूँ और कोड डॉट करके इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है जी। अच्छा, ये एक HTML का पेज है जो हमने लास्ट बनाया था, ज़रा इसको खोल के देख लेते हैं कि दिखने में कैसा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की हमने चीज़ बना रखी है यहाँ पे पहले से। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट था जो कि एक सिंगल पेज की वेबसाइट थी। यार ये शोर कौन कर रहा है, ये जाके गेट बंद कर गया जो। अच्छा, तो ये जो एंकर टैग है ना ये अब हम प्रोग्राम करने लगे हैं, ये अब हम प्रोग्राम करने लगे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, एक नई वेबसाइट बनाऊँगा, ये जो बन चुकी है इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, वन डॉट हेलो वर्ल्ड, राइट, और ये जो मेरी पहले से बनी हुई थी ये इसमें मैंने मूव करवा दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक और फोल्डर, 2 डॉट लिंक्स, सही है, लिंक्स। अब मेरे पास देखो दो फोल्डर है, एक हेलो वर्ल्ड का फोल्डर है जिसमें पुराना जो हमने कोड लिखा था वो है, ठीक है, उसके बाद 2 लिंक्स, इसमें एक बना लेता हूँ मैं index.html, राइट। अब यहाँ पे हम आज का कोड लिख लेते हैं, अब इसी तरह हम जितनी भी क्लासेस करेंगे ना 1 2 3 4 लाइन से एक ही रिपॉजिटरी में मैं आपको देता रहूँगा बना के। ठीक है, एक रिपॉजिटरी में इसलिए ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, लेकिन आपके लिए सजेशन ये है और आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जितने भी नए टास्क बनाएंगे हर टास्क एक अलग गिटहब रिपॉजिटरी में बनाएंगे आप, राइट, एक रिपॉजिटरी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों, रीज़न उसका ये, देखो अभी ना इस रिपॉजिटरी में होस्टिंग की हुई है मैंने ये वाली, ठीक है, ये देखो लिंक पे क्लिक करूँगा ना तो इस वेबसाइट पे मुझे ले जाएगा जो मैंने बनाई हुई थी, लेकिन जब मैं 2 3 कर दूंगा ना तो होस्ट मैं फिर नहीं कर सकता, होस्ट करने के लिए फिर रूट पे मुझे index.html होना ज़रूरी है। ठीक है, तो होस्टिंग तो मैंने सिखाने के लिए की थी, राइट, तो अब मैटर नहीं करती वो होस्टिंग चले मेरे पास या ना चले, लेकिन आपके पास हर रिपॉजिटरी में ऐसा लिंक होना चाहिए होस्टिंग वाला, ठीक है, ताकि क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो है, कोई भी कल को आपके गिटहब की प्रोफाइल को खोलता है वो किसी भी रिपॉजिटरी में जाए उसको वो लिंक दिखना चाहिए। ठीक है, किसी भी रेसिपी की उसमें ऐप बनी हुई है अगर, तो रेसिपी ऐप अगर नाम है रिपॉजिटरी का, अब वो अट्रैक्ट होता है उसके अंदर जाता है वो, तो उसको लिंक दिखना चाहिए, वो क्लिक करे खोल के देख सके। ठीक है, कोड को रीड करने का टाइम नहीं होता किसी के पास, वैसे तो अल्टीमेटली जब वो आपका काम देखेगा ना, जब आपकी वेबसाइट बनी हुई देख लेगा
तो वो कोड तो पढ़ेगा अल्टीमेटली, लेकिन डायरेक्ट जाके कोड पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, ठीक है? तो अभी किसी एम्प्लॉयर के पास आप बैठे हुए हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं आप, तो उस पॉइंट पे आप कोड नहीं दिखा सकते, उस पॉइंट पे आपने चलती हुई चीज़ दिखानी है। जब चलती हुई चीज़ वो देख लेगा एक बार ना, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपके काम पर कि अच्छा यार इसको काम आता है, कुछ तो आता है। वरना लोग आमतौर पर ऐसे भी होता है ना, कुछ भी नहीं आता बस पहुँच जाते हैं इंटरव्यू देने, ऐसा भी होता है। तो उसको मतलब यूज़ टू हो चुके होते हैं वो इस तरह के लोगों से मिलने के, तो उनको लगता है यार बस ये भी ऐसे ही होगा। कोई टाइम आपने टू लिंक्स की ये बनाई है, आपने नया फोल्डर बनाया और फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये फाइल बनाई है, तो ये कैसे बनाइए? यानी आप जैसे फोल्डर पर फाइल कैसे बनाएंगे? हाँ, ये तुमने अच्छा सवाल पूछा। देखो अभी मेरा फोकस कहाँ पे हुआ है, रूट पे हुआ है। रूट पे खड़ा होके मैं ये बटन जो है ना, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, न्यू फोल्डर, फोल्डर सही है, इसको प्रेस करूँगा मैं तो ये देखो नया फोल्डर बनने का ऑप्शन आ गया, ठीक है? दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो इसको प्रेस किया, फोल्डर बनाने का ऑप्शन आ गया। मैंने कहा थ्री सम अदर टॉपिक, ठीक है? तो ये फोल्डर बन गया, फोल्डर की पहचान है, उसके साथ ये एरो आ रहा होगा छोटा सा, ठीक है? ये मैंने फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर मेरा अभी फोकस कहाँ है, रूट पे। अब मेरा फोकस इस फोल्डर पे है, ठीक है? ये फोकस, ये फोल्डर ओपन क्लोज़ हो रहा है, ठीक है? तो मैंने फोल्डर को ओपन रखूँ या क्लोज रखूँ मैटर नहीं करता, फोकस मेरा फोल्डर के नाम पे होगा। और अब मैं जाके क्या कर सकता हूँ, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना सकता हूँ या इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना सकता हूँ। देखो अब मैंने फाइल दबाया, कहाँ पे आई, इस फोल्डर के अंदर आई है, ठीक है? अगर मेरा फोकस बाहर होता और मैं फाइल बनाता तो फाइल कहाँ आती, रूट पे आती फाइल, ठीक है? तो मैंने इस फोल्डर के अंदर बनानी है फाइल, तो मैंने ये क्लिक किया, ठीक है? ये नाम लिखने, अच्छा कोई नाम नहीं लिखूंगा मैं तो वो बनेगा भी नहीं। और अगर हमें HTML कोड करना है तो हमें index.html ही लिखना है। हाँ, index.html। अब ये index.html की स्टोरी भी आज समझ में आ जाएगी कि इसका नाम हमने इंडेक्स क्यों रखा था। एक नाम से दो फाइल तो नहीं बन सकती। अब इसी फोल्डर में अगर मैं दूसरी फाइल बनाता हूँ तो ज़ाहिर है उसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक नाम से वो फिर बोलेगा यार इस नाम से तो पहले से मौजूद है फाइल, राइट? तो ये मैंने index.html लिख के एंटर कर दिया, तो ये फाइल क्या हो गई, बन के यहाँ पे ओपन हो गई। फोल्डर जो है वो इधर नहीं खुलता, इस तरफ सारे ये सारा मैंने बंद कर दिया। देखो मैं फोल्डर पर जब क्लिक करूँगा ना तो इधर कुछ नहीं आएगा, लेकिन फाइल पर जब क्लिक करूँगा तो फाइल यहाँ ओपन हो जाती है और उसमें लिखने का ऑप्शन आ जाता है मेरे पास, राइट? अच्छा तो मैं अब क्या कर देता हूँ, मैं जो ये नया फोल्डर बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इस लिंक्स वाले फोल्डर में आ जाता हूँ जो मैंने बना रखा था पहले से। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो बेसिक HTML का कोड था ये लिख देता हूँ, सही है? ये बेसिक HTML का कोड मैंने लिख दिया। एक्सक्लेमिनेशन कैसे लिखा मैंने, ये VS कोड का फीचर है, एक्सक्लेमिनेशन मार्क किया ऐसे मैंने, और एक्सक्लेमिनेशन मार्क जैसे ही करूँगा ना ये नीचे सजेशन आ जाती है, सही है? तो मैं इस पर एंटर या टैब का बटन दबाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, उसको वो पूरे HTML को लिख देगा, ठीक है? तो मैंने एक बार लिखा हुआ है, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा बेसिक HTML आ गया। इसमें मैं सबसे पहले एक हेडिंग लगा लेता हूँ, क्या लगा लेता हूँ, लिंक्स, सही है? अच्छा अब लिंक्स लगाने के बाद मैंने कौन सा टैग लिखना है जो मैंने बुक में अभी अभी पढ़ा है, ये मैंने लिख कर देखना है कि ये लिखने में कैसा आता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए, सही है? ए लिखा तो देखो जैसे ऊपर आ गया ना, सजेशन में आ गया। असल में ये मेरा स्क्रॉल डाउन हुआ है इसलिए सजेशन ऊपर जा रही है, सजेशन आ गया ए, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास ये टैग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। ये फीचर मुझे कौन दे रहा है, VS कोड दे रहा है, ठीक है? VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है वो ये दे रहा है। यही काम मैं नोटपैड पे भी करूँगा, चलेगा सही, लेकिन नोटपैड पे सजेशन नहीं आएगी मेरे पास, राइट? अच्छा अब इसके अंदर आके मैंने क्या करना है, मैंने दो चीज़ें लिखनी है, एक तो इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में कुछ बात लिखनी है। जो यहाँ पे मैं बात लिखूँगा वो स्क्रीन पे नज़र आएगी, ठीक है? तो मैंने इस पे लिख दिया गो टू IMDB कर देता हूँ उसको फिलहाल में, सही है? जो उन्होंने लिखा है वही लिखता हूँ, फिर हम इसको कुछ और भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये मैंने बात जो लिखी है ये मुझे स्क्रीन पे दिखेगी, इसको मैं चला भी लेता हूँ साथ साथ, कॉपी पाथ, ठीक है? और मैं इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल रखता हूँ, मुझे दिखता रहे यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा देखो एक तो लिंक्स मैंने H1 की हेडिंग लगा दी थी, उसके बाद गो टू IMDB ना, ये देख के लिंक सा फील हो रहा है जी, ठीक है? क्योंकि आप डेली इंटरनेट के यूज़र हैं, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये लिंक है, आप यूज़ करते रहें पहले, ठीक है? बना पहली बार रहे लेकिन यूज़ तो शुरू से करते रहें, तो ये लिंक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि मैंने इसमें HREF नहीं लगाया हुआ, ठीक है? ये टेक्स्ट तो मैंने दिखा दिया कि टेक्स्ट ये नज़र आना चाहिए, HREF जो होगा वो नज़र नहीं आएगा स्क्रीन पर, लेकिन क्लिक करने से जाएगा उस वेबसाइट पर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ https://www.imdb.com,
सही है, ये मैंने HREF लिख दिया। अब क्या होगा, दिखेगा बिल्कुल वैसा ही जैसे पहला दिख रहा था, रिफ्रेश किया मैंने, दिख रहा बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। लेकिन अब क्लिक करूँगा तो मैं क्या करेगा मुझे, ये imdb.com पे लेके चला जाएगा। सही है, imdb पे आ गया। सही है, आपने क्या किया, कोड लिख के फिर उसको क्लिक किया जो हमारा पेज। इधर तवज्जो दो ना, पता चलेगा फिर। देखो ये मेरा कोड है लिखा हुआ, ये मेरा कोड है, इसमें एक H1 हेडिंग है, सही है। उसके बाद एक एंकर टैग लगा हुआ है, एंकर टैग में दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो बात लिखी हुई है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, राइट। और जो HREF है वो क्या चीज़ है, जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा ना तो इस HREF में जो भी बात लिखी हुई वहाँ लेके चला जाएगा आपको ये, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको चला के देखते हैं, एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ, गौर से देख लो। ये देखो गो टू IMDB लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक करूँगा ये कहाँ लेके जाएगा, imdb.com पे जो HREF में जो बात लिखी हुई थी, मेरी वेबसाइट को छोड़ के, और ये एक दूसरी वेबसाइट पे मुझे ले आया जो HREF में लिखी हुई थी। अच्छा अच्छा अभी अभी वही करने लगा हूँ मैं, गो टू माई GitHub, सही है, माई GitHub। अब मेरे GitHub का जो लिंक है वो मुझे अभी तो नहीं पता ऐसे, ठीक है, चल के कॉपी कर लेते हैं मेरे GitHub का लिंक। ये मेरे GitHub की प्रोफाइल है, राइट, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया और मैंने कहा कि जब कोई यहाँ पे क्लिक करे ना गो टू माई GitHub प्रोफाइल, तो इस लिंक पे लेके जाना है आपने, सही हो गया। आ जाते हैं अब देखते हैं क्या होता है, ये मेरी वेबसाइट खुली हुई है। अब यहाँ पे देखो दो लिंक्स आ गए, लेकिन ये दो लिंक काफ़ी जुड़े हुए आ रहे हैं, तो मुझे उसमें लाइन ब्रेक करना है। कैसे करूँगा मैं, PR से लाइन ब्रेक कर दूँगा, सही है, ताकि वो दो अलग अलग लाइनों में आए, दो अलग अलग लाइनों में आ गया, एक गो टू IMDB, एक गो टू GitHub, ठीक है। गो टू IMDB दबाता था तो कहाँ ले जाता था, imdb.com पे। उसको मैं बैक कर लेता हूँ, और अब मैं गो टू माई GitHub में करूँगा तो मेरी GitHub में मुझे लेके चला जाएगा। तो इस तरह मैं किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लगा सकता हूँ सर, ठीक है। तेरी कौन सा लिंक है, ये अगले पेज पे ले जा रहा है, उसी को स्क्रॉल नीचे कर रहा है। हाँ, ये तुमने अच्छा सवाल किया कि इन्होंने 4-5 तरह के लिंक बताए थे, तो ये कौन सा वाला है, ठीक है, वापस आ जाते हैं। एक लिंक वो था लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, तो ये वो वाला है, ठीक है, मेरी वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है, तो ये वन वेबसाइट टू अनदर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लिंक फ्रॉम वन पेज टू द सेम पेज ऑफ द अनदर पेज ऑफ सेम वेबसाइट, कि अब मुझे एक ऐसा लिंक चाहिए जो मुझे मेरी वेबसाइट के ही दूसरे पेज पे लेके जाए। तो मेरी वेबसाइट में तो दूसरा पेज है ही नहीं अभी, सही है, मेरी वेबसाइट में दूसरा पेज मुझे बनाना पड़ेगा पहले। अच्छा, तो ये इसका रिजल्ट ये भी दिखा रहे हैं कि भाई हमने जो ऐसे लिखा था ना यहाँ पे गो टू IMDB वाला, तो वो कुछ इस तरह से उसका रिजल्ट आ गया, ऐसे क्लिक करेंगे तो IMDB पे लेके चला जाएगा। अच्छा, लिंकिंग टू अदर साइट्स, ये कुछ इन्होंने बनाकर बताया, मतलब जैसे मैंने अभी 2-3 लिंक लगा दिए ना, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, 2-3 लिंक लगा दिए। तो इस कोड को मैं पूरा अगर कॉपी करके यहाँ पे चलाता हूँ अपने पास, तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, जिसमें 4 वेबसाइट्स हैं अलग अलग। जो पहला वाला है उस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे empireonline.com करके कोई मूवी की वेबसाइट है वहाँ ले जाएगा, सेकेंड वाला भी कोई वेबसाइट है, तीसरा है रॉटन टमाटोज़, ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप मूवीज़ देख सकते हैं। ये सारी IMDB की तरह है ये सब किस्म, ठीक है। उसके बाद है वेराइटी करके कोई है, तो ये 4 लिंक इन्होंने लगा दिए। अच्छा, हम कौन सा 4 लिंक लगाएंगे, हमने एक IMDB लगा दिया, एक गो टू माई GitHub लगा दिया, एक और कोई लगा देते हैं, कौन सा लगाया जाए, एक और लिंक लगा देते हैं, गो टू माई फेसबुक पेज, सही है, फेसबुक पेज का जो ये लिंक है वो उठा लेता हूँ मैं, ये मेरे फेसबुक पेज का लिंक आ गया और मैंने ये HREF में लगा दिया। तो अब इस बटन के क्लिक करने पे मुझे कहाँ ले जाएगा, वो फेसबुक पे ले जाएगा, ठीक है, चल के देखते हैं। ये आ गया, क्लिक किया मैंने, मुझे फेसबुक पे ले गया। बहुत देर में लेके जा रहा है, लेकिन लेके जा रहा है, सही है। सर इंतजाम जी, कितना टाइम है मिस, बस 10 मिनट में ख़त्म करते हैं, 3 बजे जल्दी कर लें, काफ़ी
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही खड़े हैं ये, बिल्कुल कंफर्टेबल हो ना तुम लोग? अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो बताना मुझे, वैसे भी हम 10 मिनट में ख़त्म करने लगे हैं। अच्छा ठीक है भाई, तो ये मेरे फेसबुक के पेज पे मुझे ले गया। अच्छा आप जल्दी जल्दी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आप इस तरह करके ना, इस तरह करके भी आप लगा सकते हैं। जाहिर है आप सिर्फ लिंक तो नहीं लगाएंगे कभी भी, लिंक आपके किसी ना किसी पैराग्राफ या किसी ना किसी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे जो इन्होंने बनाया ना उसको भी ज़रा चला के देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पैराग्राफ ओपन किया और उस पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा, उस पैराग्राफ में इन्होंने लिखा मूवी रिव्यूज़, ठीक है? और मूवी रिव्यूज़ लिखने के बाद ये अनऑर्डर लिस्ट बना दी एक, ठीक है? अनऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद क्या किया, हर लिस्ट आइटम के अंदर प्लेन टेक्स्ट लिखते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, देखो लिस्ट आइटम के अंदर इन्होंने ये एंकर टैग लगाया हर लिस्ट आइटम के अंदर। और इसको अगर आप लास्ट तक जाके देखेंगे तो अभी देखें ये लिस्ट आइटम में और कुछ एंकर टैग के अलावा भी मैं कुछ लिख सकता था आगे, जगह है मेरे पास, लेकिन इन्होंने हर लिस्ट आइटम के अंदर एक एक एंकर टैग लगा दिया, ठीक है? तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बनाया है। इसको ज़रा रिज़ल्ट देख लेते हैं कैसा है इसका। इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से डिजाइन होगा, ठीक है? तो ये वाला जो नीचे जो प्रिंट हुआ है ना ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, ये वाला शायद इतना बेहतर नहीं लग रहा रीडेबिलिटी के एतबार से, और वेबसाइट पे एक्चुअल में जब ज़ाहिर है चीज़ जब डिस्प्ले होगी तो वो तो ये वाला ना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वेल हाँ, ये कलर चेंज जो है ना ये HTML खुद करता है, ठीक है? ये HTML खुद करता है, जो वेबसाइट विजिट हो चुकी है उसको ये पर्पल कर देता है और ये ब्लू है। जैसे देखो इसको मैं क्लिक कर दूंगा ना वंस, तो फिर ये पर्पल हो जाएगा, ठीक है? ताकि पता चलेगा कि अच्छा यार ये वेबसाइट क्या हो चुकी है, ये विजिट की जा चुकी है। अच्छा ठीक है, थोड़े पता नहीं देर वेर में हो रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक फिनोमेना है इसका। अच्छा इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि बगैर विजिट का क्या कलर हो और विजिट हुए हुए का क्या कलर हो, ये मैं भी डिसाइड कर सकता हूँ ये, लेकिन हम CSS के टाइम पे देखेंगे जी। वेबसाइट का नाम आप अपनी मर्जी से कैसे रखते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आपने ये बना दिया? हाँ ये मैंने बना दिया, तो अब इसको जब मैं होस्ट करता हूँ तो मुझे GitHub पेजेस वाले जो मेरी रिपोजिटरी उस नाम से लिंक देते हैं। अच्छा वो देते हैं? हाँ मिसाल के तौर पे मैं असल में हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ, अभी मेरा आंसर कंप्लीट हो जाए फिर और पूछ लेना। देखो ये मेरी वेबसाइट है ना जो लास्ट हमने बनाई थी यहाँ पर, अब इसका जो वेबसाइट का जो नाम है वो ये नाम है, सही है? खुल जाओ भाई। अच्छा तो ये वेबसाइट का नाम है minzamammalik.github.io/myfirstqrsclass, ठीक है? तो ये तो मुझे इन्होंने दे दिया फ्री होस्टिंग में। क्या होता है फ्री होस्टिंग में, हमें इस तरह से ये फ्री का एक मिल जाता है, इसको बोलते हैं हम डोमेन, राइट? इसको हम डोमेन बोलते हैं। लेकिन तो ये तो गिटहब वाले आपको दे रहे हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक और वेबसाइट भी तो है हमारी जो air.sysborg है जैसे, ठीक है? तो ये air.sysborg तो मेरी मर्ज़ी का नाम है, ये कहाँ से मिला मुझे? हाँ ये मुझे अब वहाँ से मिला, जैसे आप सिम खरीदते हैं ना मोबाइल फ़ोन की, इसी तरह आप डोमेन भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है? तो ये जो sysborg.com डोमेन है ना ये मैंने ख़रीदा हुआ है, ठीक है? इसके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, मेरे ख्याल है $8-10 सालाना पे करने होते हैं आपको, तो एक साल के लिए पूरी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है? एक साल के लिए या दो साल के लिए आप उसको रिज़र्व कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं एडवांस में, दो साल के लिए आपकी हो जाती है, फिर आपका कार्ड उसमें अटैच रहता है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज करता रहता है जब साल पूरा होता है। तो ये नाम फिर कोई और नहीं रख सकता? ये नाम कोई मुझसे अगर ख़रीदना चाहेगा तो मेरी मर्ज़ी है, फिर मैं जितने का भी पेटेंट वाले चाहते हैं। हाँ ये अभी मेरी ऑनरशिप में है अगले दो साल तक, अगर अच्छा इसको आप इसकी बाकायदा फिर एक पूरी ट्रेडिंग व्रेडिंग भी होती है, लोग बहुत सारे डोमेन ना ऐसे डोमेन जो लगता है लोगों को कि भाई बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो लोग ख़रीद के रख लेते हैं, फिर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, तो पैसे भी कमाते हैं लोग इससे, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में ये वो पैसे कमाने के लिए जो एक फील्ड है तो वो बिल्कुल एक अलग फील्ड है, वो फुल टाइम जॉब है। अब ये नहीं सोचना कि अच्छा यार हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो ये भी ले लेके रख लेंगे, ठीक है? इसमें पैसे डूब भी जाते हैं, लोगों ने 20-25 डोमेन उठाए हुए होते हैं और लेकिन वो अब 10 साल हो गए उसके रेट ही नहीं बढ़े, या किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया कि ये डोमेन हमें चाहिए, ठीक है? तो वो एक तुक्के वाली भी बात है, ये स्पेकुलेशन है एक तरह की। तो अब आपका जो जैसे सिम कार्ड होती है ना, अब आपने आप दुकान पे गए, उसने एक दिया आपको, वो नंबर लिखा हुआ था, आपने वो नंबर बोला कि ठीक है मुझे दे दो ये, अब उस नंबर की सिम कोई और ख़रीद सकता है क्या? नहीं ख़रीद सकता। अच्छा सिम वाले केस में ये ऑप्शन भी नहीं है कि कोई आपसे कॉन्टैक्ट करे और बोले कि ये मुझे दे दो?
ठीक है, मतलब ऑप्शन वैसे तो है कि आप उसी नंबर पे कॉल कर लेगा, वो जो भी उठाएगा उससे बोलेगा यार मुझे ये सिम दे दो, मेरे नाम कर दो, पैसे ले लो मुझसे, ठीक है। आप कहेंगे यार मैंने 500 की ली थी सिम, वो कहेगा मैं 1500 ले लो, तो शायद आप दे भी दें शायद आप ना दें, ठीक है। तो इस तरह सिम में भी हो सकता है काइंड ऑफ। तो अब हमारे पास जैसे सिम में एक ऑप्शन आ चुका है अब कि आप जोंग की फ्रेंचाइज में जाते हैं, आप उसको नंबर बोलते हैं, आप बोलते हैं ये नंबर मुझे दो, तो वो नंबर अपने सिस्टम पे वो चेक करते हैं कि आया कि ये है या कोई ख़रीद चुका है। अगर कोई ख़रीद चुका है वो कहते हैं यार ये बिक चुका है नंबर, नहीं अगर होता तो वो आपकी पसंद का नंबर वाला कोई उनका है वो सिम, मतलब थोड़ी महंगी होती है वो सिम, वो आपको निकाल देगा उस नाम की सिम। तो इसी तरह डोमेन में भी हम क्या करते हैं, देखो डोमेन कहाँ से मिलता है वो भी देख लो। नेम चीप करके एक है जो बड़ा फेमस है, ठीक है, ये रहा नेम चीप। उसके अलावा गोडैडी है, ये दो बड़े फेमस हैं और भी हैं इसके अलावा बहुत सारे। अब यहाँ पे जाके मैं किसी भी नाम का डोमेन यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि ये बिकने के लिए अवेलेबल है या कोई ले चुका है, ठीक है। बताओ कोई भी नाम हम्माद, हम्माद एंटर करते हैं, सही है। तो अब ये आपको बता देगा कि ये डोमेन अवेलेबल है बिकने के लिए या नहीं है। इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है मेरे फ़ोन में, तो बाय भी यहीं से करते हैं, बाय भी यहाँ से कर सकते हैं। तो क्या नाम है नेम चीप और GoDaddy, ये दोनों हैं, ठीक है। Hammad.com टेकन है, सही है, और आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। मेक एन ऑफ़र दबाऊंगा मैं, कुछ भी अमाउंट लिख दूंगा, लेकिन Hammad.ai अवेलेबल है $70 पर ईयर में, सही है। Hammad.app अवेलेबल है, Hammad.art, Hammad.shop, Hammad.tv अवेलेबल है $600 में, सही है। तो ये जो प्रीमियम जो जिस पे लिखा हुआ होता है ना, ये प्रीमियम का मतलब ये होता है कि ये डोमेन किसी ने ख़रीद के रिज़र्व की हुई है और उसने ये रेट उसने लगाया है, ये 1400, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप sysborg.com लिखेंगे तो वो भी मैंने प्रीमियम पे लगाया हुआ है, ठीक है, कुछ पैसे लगा दिए मैंने रैंडमली सही है। तो सर किसी ने अगर रिजर्व नहीं किया हुआ तो मेरे ख्याल से इसकी प्राइस कम होगी ना, हाँ ठीक है। ये मैंने एक अमाउंट लिखा हुआ है। अब ये प्रीमियम पे क्या होता है, अगर कोई ये अमाउंट अप फ्रंट फ़ौरन देने के लिए तैयार है, फ्रंट कैश, हाँ फ्रंट, तो ये डोमेन ठक निकल के उसकी जेब में चला जाएगा, मुझे आपसे अप्रूवल भी नहीं लेगा, नहीं ये मैंने बोला हुआ है ना कि हाँ भेज दो, ये ऑक्शन मार्केट है, नहीं ऑक्शन मार्केट नहीं है, बस ये अप फ्रंट मैंने ये पैसे लगाए हैं, ये किसी को चाहिए दो ले जाओ, $50,000 5 मिलियन है असल में, ठीक है, 5 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, चलो बिक जाएगा, ठीक है। तो मतलब वैसे तो मैंने बेचना नहीं है, लेकिन अगर कोई $50,00,000 देगा तो मना भी नहीं करूँगा भाई, मना करूँगा यार 50 लाख पता है कितने होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। मैंने तो पता नहीं $8-10 का ख़रीदा है ये, और मेरे पास है मतलब, ठीक है। सर यहाँ से अगर वो खरीदेगा तो लाइफ टाइम ना उसका, नहीं लाइफ टाइम नहीं है, देखो जो डोमेन होता है ना असल में वो आपके नाम से रजिस्टर होता है और उतने टाइम के लिए होता है जितने टाइम आप बोलते हैं, मैक्सिमम शायद 10 साल के लिए आप कर सकते हैं। तो ये प्राइस किसके कितने टाइम की है, नहीं ये टाइम, ये देखो मैंने तो ये ख़रीदा हुआ ना, रीन्यू मेरा $14 में ही होगा ये, अभी भी पर ईयर $14 अभी रेट चल रहे हैं इनके रीन्यू के। जी मिस, बस 2 मिनट में ख़त्म, अच्छा मिस ये तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं नहीं मिस अभी तो सिर्फ स्क्रीन देखनी है, अभी और कुछ करने नहीं दिया हुआ मैंने उनको, अच्छा बस ख़त्म करते हैं 2 मिनट में, अच्छा। तो बहरहाल तो हम वापस आ जाते हैं इधर अपने इस वाली वेबसाइट पर। तो मेरे ख्याल है फिर आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मिस ने कहा था ना कि 3 बजे ख़त्म कर देना, तो 3 बजे हैं। तो अब आप इस बुक को ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बुक सब आप लोगों के पास है, आप चाहें तो ये आगे पढ़ के और इसकी प्रैक्टिस लिख के इसका कोड लिख के और आप नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखा सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो ख़ुद से आप कोड लिखकर चेक कर लीजिएगा और उसको, जैसे आपको पता है कि GitHub में आप कोड लिखते हैं फिर उसको होस्ट करते हैं, वो लिंक मिल जाता है आपको, तो उस तरह आपने इतना तो कर ही लेना है, ठीक है। आई होप कि जो लास्ट मैंने रेसिपी वाली वेबसाइट आपको बनाई थी वो भी आप बना ली, नई रिपोजिटरी में हर नया टास्क एक नई रिपोजिटरी में होगा।
अच्छा गुड यार, वेल अच्छी बात है, ठीक है। तो अब ये आगे जो पांच तरह के उसने लिंक बताए थे ना, तो एक तरह का लिंक हमने पढ़ लिया आज, बाकी चार तरह के लिंक इसी चैप्टर में आगे लिखे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद से कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बुक को खोल के पढ़िएगा, टाइम लगाइएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा नहीं, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो फिर अब हाँ, अगर हम कोड में जाते हैं उसी फोल्डर में, जैसे सी वी वाला फोल्डर वी एस कोड में बना रहा है, उसमें कोई चेंजेस करूँ, कंट्रोल एस करके वेबसाइट पर रिफ्रेश करूँ, तो चेंजेस वहाँ पर हुए होंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ना मेरा, ये मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये फाइल वाला लिंक है ना, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो फौरन मुझे वो चेंज यहाँ दिख जाएगा, फौरन मुझे वो चेंज यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यही सवाल था तुम्हारा? हाँ अच्छा, होस्ट अगर कर चुके हो तो फिर क्या करोगे, जब चेंजेस करोगे ना तो इसको यहाँ तो तुम यहीं पे खोल के देखोगे डेवलपमेंट के दौरान। जब वंस तुम्हारा वो फीचर कंप्लीट हो जाएगा, जो एडिशनल फीचर जो भी तुम डाल रहे हो, उसके बाद जब तुम कोड पुश करोगे तो जब गिटहब में वो पहुंचेगा ना, तो 5 से 10 मिनट में वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, जो होस्टिंग वाला लिंक है ना उसी लिंक पे अपडेट हो जाता है 5 से 10 मिनट में, ठीक है। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। चलो अल्लाह हाफिज़।